श्री महामत कहे ए मोमिनो सुकराना लियाओ बजाए दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए बचाए बुढ़ानपुर के भीतर वहां से आए बुढ़ानपुर फिर पहुंचाया पैगाम प्रणधार आत्मसंबंधे सुंदर साद जी कल की चर्चा में हमने धामधनी श्री जी हम पर किस तरह से मेहर कर रहे हैं उसका विवरण सुना वैसे तो पिछले तीन दिनों से एक ही विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रसंग है शुकराना आकोट का परिस्थिति कैसी थी वो हमने बहुत अच्छे से समझा कि किन परिस्थितियों में इस प्रकरण का अवतरण हुआ अथवा किन परिस्थितियों में श्री जी को ये सब बातें कहनी पड़ी तो कल की चर्चा में हमने कुछ विशेष बातों को जाना जैसे कि एक चौपाई जिसके विषय में थोड़ा सा संशय होता है भ्रम होता है कि जिसमें कहा कि स्त्री को बेईमान कहा है संगीत के लिए भी वर्जित किया गया है लेकिन अभी तो हमने वाणी गायन किया इसी तरह से इलम की बात की गई है कि पढ़ने वाले इलम के उसको भी दज्जाल का हथियार बताया है और जादूगर वो तो है ही तो इन सब का भी हमने बहुत अच्छी तरह से विवरण सुना फिरौन मूसा और हारून का प्रसंग भी सुना कि किस तरह से दरिया कुलजम में फिरौन की सेना डूब गई और राज्य ने यहाँ पर भी हमें दरिया कुलजम की ही तर्ज पर कुलजम स्वरूप अथवा ब्रह्मवाणी दी है जो हमें तो माया से निकालने वाली है और दज्जाल को समाप्त करने वाली है इन सभी प्रकार की कृपाओं के लिए धनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए ये हमने कल सुना अब अगला जो प्रकरण है उसका शीर्षक है बुढ़ानपुर की बीतक और साथ में ये भी लिखा गया है कि लालदास लश्कर को गए लश्कर मतलब समूह या फौज होता है तो कतिपय समाज में ये भ्रांति है कि लालदास जी यहां से मतलब आकोट पहुंच दिल्ली आए थे और उसके बाद फिर वापस गए पर यह संभव नहीं है इस पूरे प्रकरण को हम समझेंगे या पूरे प्रसंग को हम समझेंगे तो पता चलेगा कि यह दिल्ली की बात नहीं है मराठों का दमन करने के लिए दक्षिण में मराठे उस समय मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे छत्रपति शिवाजी ने ये विद्रोह शुरू किया था तो उन मराठों का दमन करने के लिए औरंगजेब बादशाह लगभग 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में रहा अब ये जो औरंगाबाद की बात कर रहे हैं औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है तो वहां उसने औरंगाबाद तो जिला है वर्तमान में और वहीं पर एक स्थान है उसको कहते हैं खुल्दाबाद खुल्दाबाद नामक स्थान को औरंगजेब ने अपना राजधानी बनाया था उस स्थान को पहले दौलताबाद भी कहते थे औरंगजेब की मृत्यु भी उधर ही हुई थी दक्षिण में ही हुई थी दिल्ली में उसकी मृत्यु नहीं हुई और वहीं पर खुल्दाबाद में आज भी औरंगजेब की मज़ार बनी हुई है तो जब श्री जी औरंगाबाद से बुढ़ानपुर आए उन्होंने सोचा कि वहां से एक बार फिर से प्रयास किया जाए और श्री जी ने ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए अपने तरफ से प्रयास कभी भी बंद नहीं रखा है हमारे जैसे होते तो हम एक बार दो बार प्रयास कर लेते पर यहां क्योंकि साकुमार की जागनी का प्रश्न है और साकुमार की जागनी हो जाए तो आधा काम ही हो जाए जागनी का तो मिहिर जी का जीव ये चाहता है कि किसी तरह से साकुमार की जागनी हो मूल स्वरूप के हृदय में को तो कुछ और ही है इसलिए राज जी प्रयास कर रहे हैं उन्होंने अब लालदास जी को अपना संदेश दे करके औरंगजेब बादशाह की लश्कर के पास लश्कर मतलब उनकी फौज जहां पर थी जहां औरंगजेब ने राजधानी बनाई थी अर्थात तो खुल्दाबाद की तरफ भेजा दिल्ली में भेजने की जो बात करते हैं तो उसका मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ इसका प्रसंग हम पूरा यह प्रकरण पढ़ने के बाद आगे समझ में आएगा ये प्रसंग जानते हुए सबसे पहले अब श्रीजी का संदेश लेकर के लालदास जी गए और वहां जाकर काजी शेख इस्लाम से भेंट करी खुल्दाबाद में और वहां जाकर श्री जी के द्वारा जो संदेश लिखा हुआ था एक सेवक के माध्यम से वो संदेश पहले तो काजी तक पहुंचाया अभी काजी मिला नहीं है जब ये संदेश पहुंचा तो काजी ने लालदाह जी को अंदर बुलाया चिट्ठी देख करके कि ये तो वही हैं जो दिल्ली में मिले थे क्योंकि संदेश से तो पता चल ही जाता है अंदर बुला करके अब बात पूछने लगे कि इतने समय तक कहाँ थे क्योंकि 1736 के आसपास में दिल्ली में थे 35 के बाद दिल्ली आए थे उसके बाद उदयपुर में काफी लंबा समय लग गया मंदसौर में आठ महीने के आसपास लग गए औरंगाबाद में भी चार महीने से ऊपर लग गया तो लगभग डेढ़ साल से ऊपर का समय हुआ था इसीलिए पूछा काजी ने कि इतने समय तक कहाँ पर थे कहाँ हते क्यों कर आए जवाब दिया इस ठाव जब काजी ने पूछा कि अब तक कहाँ थे और अब किस प्रयोजन से या कैसे आए हैं तो लालदास जी ने जवाब दिया कि हमको हादी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम कहते शेख इस्लाम हमें तो हमारे हादी ने आपके पास भेजा है और आपके लिए जो पत्र भिजवाया है उस पत्र का आप जवाब देना क्योंकि हम पहले भी आप तक संदेश लेकर के आए हैं दिल्ली में भी लेके आए थे जब जब अजमेर में ये थे श्री जी ने मल्लुकचंद जी के माध्यम से भी संदेश भिजवाया था तो शेख इस्लाम कहते हैं तब शेख इस्लाम में कहा ए तुम्हें खुले कलाम हम कहें तुमको जथारत स्थान इस शेख इस्लाम कहता है कि मैं आपको एक यथार्थ बात बताता हूं एक सत्य बताता हूं कि कुरान के जो वास्तविक भेद हैं वो तो आप ही से खुलते हैं अब ये उसने व्यंगात्मक रूप में भी कहा हो सकता है फिर साथ में कहता है कि आप कल सुबह आना कल सुबह मिल करके हम आपसे बात करेंगे अभी तो मुझे किसी काम से बाहर जाना है अगले दिन अब सुबह सुबह ही लालदास जी गए साथ में श्री जी ने नूर मोहम्मद को भी भेज रखा था तो लालदास जी तथा नूर मोहम्मद गए और दूसरे दिन जब मुलाकात हुई वहां शेख इस्लाम के साथ में उनके कुछ मित्र भी बैठे हुए थे कोई उनके दोस्त भी बैठे हुए थे तो वहीं पर कुरान मंगवाई गई और श्री जी ने जो सवाल भेजे थे उन सवालों पर चर्चा होने लगे तो सरियत के जो लोग थे वहां पर शेख इस्लाम के जो दोस्त थे वो कहने लगे कि इसमें तो गलत लिखा हुआ है ये जो तुम पत्र लेकर के हो, इसमें तो गलत लिखा है लालदास जी ने जवाब दिया कि मैं आप लोगों को क्या ही कहूं कि जब हदीसों का नाम इसमें लिखा हुआ है कुरान का प्रमाण इसमें दिया हुआ है और फिर भी आप इसको कह रहे हैं कि गलत है तो शेख इस्लाम कहते हैं कि देखिए हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं लेकिन लिखने में यहां कहीं ना कहीं भूल हुई है क्योंकि इसमें तो उमियों के दस्तखत है उमी कहते हैं अनपढ़ को अनपढ़ का दस्तखत का मतलब क्या है कि जैसे इस्लाम मत में विशेष मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं एक सिया और दूसरे सुन्नी सुन्नी मत वाले सिया को अनपढ़ समझते हैं और सिया मत वाले सुन्नियों को अनपढ़ समझते हैं और काजी शेख इस्लाम ये सुन्नी मत के मानने वाले थे तो जब उनको लगा कि ये तो हमारे विरुद्ध बातें लिखी गई है शरीयत के सिद्धांत के विरुद्ध बातें लग रही है तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो किसी सिया का लिखा हुआ है किसी अनपढ़ व्यक्ति का लिखा हुआ है तो लालदास जी ने जवाब दिया कि इसमें लिखने वाले का कोई भी दोष नहीं है तुम्हें अंदर का मायना पता नहीं है वास्तविक अर्थ या गुह अर्थ पता नहीं है इसीलिए तुम्हें इस बात की पहचान नहीं हो सकती अब क्या हुआ कि लालदास जी के हाथ में जो किताब थी शेख इस्लाम ने छीन करके रख ली अपने पास और मन ही मन ठान लिया कि किसी न किसी तरह से बहाने खोज करके झगड़ा करना है अब क्योंकि काजी के पास श्रीजी के द्वारा भेजे गए प्रश्न का कोई जवाब नहीं था इसीलिए अपने मुख से कटु वचन कहने लगा कहता है कि फेर नवा किताब में तीन बीच अल्लाह कलाम तुम ए तो बात झूठी लिखी ल्याय कीना ना इस्लाम कहते हैं कि ये जो किताब तुम लेकर के आए हो ऐसी बात तो इस्लाम में है ही नहीं ये तो जिसने भी लिखी है ये बातें ये द्वेष भावना से भर करके लिखी है इस्लाम के प्रति द्वेष भावना से भर करके लिखी है अब काजी के साथ में उनके जो भी दोस्त थे उन सब लोगों ने लालदास जी और नूर मोहम्मद को कुरान का डर दिखाया सरियत का डर दिखाया और कहा कि ये जो किताब तुम्हारे पास है उसको हम अपने पास रखेंगे हम आपको नहीं देंगे लालदास जी ने देख लिया कि अब इनकी दृष्टि घूम गई है दृष्टि घूमने का तात्पर्य क्या होता है आंखें हृदय का दर्पण मानी जाती है यदि हृदय में किसी के प्रति क्रोध की भावना हो तब भी आंखों में दिखता है कि ये क्रोध में है किसी के प्रति बहुत स्नेह की भावना हो करुणा की भावना हो वह भी दिखती है यदि देखने वाला व्यक्ति हो परख करने वाला व्यक्ति हो तो किसी की आंखों को देख करके उसके मन में काम है कि क्रोध है कि स्नेह है कुटिलता है वही मनस्य है क्या है वो सब देख लेता है लालदास जी की पारखी नजर थी उन्होंने समझा कि ये तो मारने की बात सोच रहे हैं ये तो हमें मारना चाहते हैं और किसी भी तरह से ये सत्य सुनना नहीं चाहते तब अब काजी शेख इस्लाम क्या कह रहा है कि मन में तो क्रोध है पर बाहर से झुका हुआ है विनम्रता दिखा रहा है ये कपट है एक कहावत कही जाती है कि नमन नमन बहु अंतरा नमन नमन बहु भान ए तीनों बहुते नमे चीता चोर कमान नमन मतलब झुकना अंतर मतलब फर्क झुकने झुकने में बहुत फर्क होता है चीता भी झुकता है कब झुकता है जब उसको शिकार मारने के लिए झपट्टा मारना होता है ना शिकार को पकड़ने के लिए तब वो झुकता है तो वो झुकने में विनम्रता थोड़ी है इसी तरह से कमान जो है कमान मतलब धनुष धनुष को धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा करके प्रत्यंचा मतलब धनुष की रस्सी धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा करके जब आप उसको पीछे खींचते हैं तीर लगा करके तो वो कमान भी दब के झुक जाती है वहां झुकने का तात्पर्य क्या है कि जितना पीछे जाएगा उतनी ही तीव्रता के साथ में वो तीर को आगे फेंकेगा तो वो भी तो नुकसानदायक है और जो चोर है वो भी क्या करता है यदि पकड़ा जाएगा तो बहुत झुक जाएगा इतना विनम्र हो जाएगा ऐसा लगेगा कि अरे ये इतना सीधा व्यक्ति है ये चोरी नहीं कर सकता ठीक है तो ये तीनों झुक रहे हैं पर तीनों के झुकने में भिन्नता का भाव है इसमें विनम्रता नहीं है अब यहां भी शेख इस्लाम झुक रहा है और एक बार नहीं बार बार झुक रहा है ग्रंथ ले लिया लालदास जी के हाथ से और कहता है कि अब बताओ आप क्या कहना चाहते हो आप तो कयामत का दावा करते हो इमामत का दावा करते हो तो लालदास जी ने कह दिया कि आप तो हजरत कहलाते हैं हजरत मतलब प्रतिष्ठित आपकी समाज में इतनी प्रतिष्ठा है आप धर्मगुरु कहलाते हैं काजी कहलाते हैं आपको तो इतनी बात का पता होना चाहिए इतना इल्म होना चाहिए कि हमने जो भी बात कही है या चिट्ठी में जो बात लिखी है वे सब कुरान और हदीस के अनुकूल ही है तो शेख इस्लाम कहता है कि जिसने चिट्ठी लिखी उसको तो सत्यता का पता ही नहीं है वो भटका हुआ है वो गलत राह पर है अब लालदास जी को गुस्सा आया और कहने लगा कहने लगे लालदास जी कि आपको अपने मुख से ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ श्री जी की निंदा हो रही ना उन्होंने तुरंत जोश में भर करके कहा कि आपको ऐसे शब्द बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए सावधान होना चाहिए और आज से आप ध्यान रखना कि आज के बाद हम कभी भी आपको संदेश देने नहीं आएंगे अब हम तुमको कबहू न दे पैगाम अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम हम धर्म के वास्तविक सिद्धांत को अपने पास लेकर के जा रहे हैं आइंदा हम कभी भी आपको कोई भी संदेश देने नहीं आएंगे इतना कह करके लालदास जी वहाँ से निकल गए पीछे से वो बुलाते रहे लेकिन लालदास जी ने मुड़ करके के नहीं देखा और वहाँ से चल करके मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर गए मुफ्ती एक पद होता है अब्दुल रहमान उनका नाम है तो अब्दुल रहमान के घर में चले गए उनसे मुलाकात करके श्री जी ने जो प्रश्न लिखे थे उन प्रश्नों को संदेश के रूप में सुनाया अब शेख इस्लाम के साथ में जो बातें हुई थी उनकी भी वास्तविकता सुनाई और ये भी बताया कि लालदास जी ने कहा कि हमने संदेश तो दिया कयामत का लेकिन इन लोगों ने मुनकरी कर दी मुनकरी करने का मतलब मना कर देना रद्द कर देना कि हम इस चीज़ को नहीं मानते अस्वीकार कर देना तो कहने लगे कि हमने तो संदेश दिया पर शेख इस्लाम और उनके दोस्तों ने अस्वीकृत कर दिया इसलिए अब हम आपको कह रहे हैं बाद में ऐसा ना हो कि कोई हमें दोष दे कि हमें तो किसी ने समझाया नहीं हमें तो किसी ने कहा ही नहीं जागनी के राह में निकलने वाले सुंदर साथ के लिए भी ये एक संदेश है कि हमें अपने कर्तव्य का इतना तो पालन कर लेना चाहिए कि मान लीजिए सातवें दिन न्याय की लीला में जब उन जीवों को जिन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं करी जिन्होंने वाणी की पहचान नहीं की उनको पूछा जाए तो वो ये ना कह पाए कि हमें किसी ने कहा नहीं आपकी ब्रह्मात्माएं आई थी आपकी ब्रह्म सृष्टिया आई थी पर हमें इन्होंने आपकी पहचान नहीं दी इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है ऐसा न कह पाए और हम पर कोई दोष ना आए इतना हमें कर्तव्य अपना वहन कर लेना चाहिए अब लालदास जी ने भी यही कहा कि हमें कोई दोष न लगाए कि हमने संदेश नहीं दिया इसलिए हम आपके पास आए हैं कहते हैं कि हम तुम एक वतन के तीस वास्ते उमेठत हैं कान उमेठने का मतलब कान उमेठने का मतलब है कान मरोड़ना यहां क्यों कहा गया है एक अपनेपन के भाव से बता रहे हैं सच में कान नहीं पकड़ा है उन्होंने पर यह है कि सावधान कर रहे हैं कान पकड़ करके सावधान भी हर कोई नहीं कर पाता है ना कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चों में एक मानसिकता होती है बच्चों को टोका जाए और विशेष रूप से जब बच्चा बारह साल पार करके तेरहवें वर्ष में प्रवेश कर लेता है जिसको हम टीन कहते हैं बारह साल से लेकर के लगभग बीस इक्कीस साल तक की जो अवस्था होती है ये विद्रोही अवस्था होती है इंग्लिश में रेबल कहते हैं या बागी कहते हैं इस इस समय बच्चे को कोई भी बात समझाई जाए वो मन ही मन उस चीज की काट कर रहा होता है कि इस बात की काट कैसे निकल जाए क्योंकि सास भी कभी बहुत ही इसलिए सबको पता है तो अब वहां बच्चों को यह समझना चाहिए कि ये जो कहा जा रहा है ये जो बात हमें समझाई जा रही है ये हमारे भले के लिए समझा जा रही है हर कोई कान नहीं पकड़ेगा जो आपका भला चाहेगा वही आपको समझाएगा वही यदि आपकी खंडनी भी करना होगा मुँह पर खंडनी करेगा जो लोग भलाई नहीं चाहते या जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो तो पहली बात कुछ कहेंगे ही नहीं या फिर उनका स्वार्थ होगा तो उल्टा आपको बोलेंगे अरे अरे बेचारे आपके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे तो ये कान उमेड़ना एक तरह से अपनापन है तो लाल कह रहे हैं कि हम तुम एक वतन के तीस वास्ते उमेठत हैं कान दबाव दे करके हम कह रहे हैं क्योंकि हम में वह आत्मभाव है हम जानते हैं हम ये मानते हैं कि तुम्हारे अंदर भी परम धाम की वासना है इसलिए हम तुम्हें जगाना चाहते हैं तो मुफ्ती ने जवाब दिया कि आप कयामत की बात करते हैं इमामत का दावा करते हैं इसके आने में तो अभी बहुत देर है तुम इसको आज साबित करने पर तुले हुए हो लालदास जी ने कह दिया कि क्यों तुम जानिया दूर है आपको कैसे लगता है कि बहुत दूर है आप किस आधार पर कहते हैं जो जो भी निशानियां हैं कयामत की वो सब तो जाहिर हो चुके हैं और लालदास जी कहते हैं कि आप जिस किताब के आधार पर कह रहे हैं कि कयामत तो अभी बहुत दूर है आप वो किताब को लेके आइए हम आपको साबित कर देंगे कि कयामत का समय अभी है अब इस तरह से काफी देर तक बातें हुई बहस हुई और कयामत के सारे सभी निशानियों को प्रमाण के साथ में समझाया उन्होंने तीन दिनों तक मुफ्ती अब्दुल रहमान के साथ में उन्होंने बात की और इसी बीच श्रीजी ने एक सुंदर साथ जिनका नाम है नारायण दास जी नारायण दास जी को एक पत्र लेकर के भेजा कि आप जाइए और ये संदेश दीजिए उस संदेश में लिखा था कि जैसे ही ये चिट्ठी आपके हाथ में लगे वहां पर पानी भी नहीं पीना है और तुरंत वहां से निकल के आना है क्योंकि मूल स्वरूप राज जी ने महामती जी के हृदय धाम में ये प्रेरणा कर दी कि जो लालदास जी और नूर मोहम्मद गए हैं सुंदर साथ गए हैं लश्कर में वहां उनके ऊपर कोई आपत्ति आने की संभावना है संकट आने की संभावना है क्या लिखा है ये तो लोग सरियत के जिन तुम पर डारे तोहमत श्री जी ने चिट्ठी में लिखा था कि ये जो सरियत के लोग हैं ये आप पर कोई ना कोई तोहमत मतलब आरोप लगा करके किसी प्रकार का आरोप लगा करके आपको या तो कारागार में डाल देंगे या फिर कोई सजा देने की बात सोच रहे हैं कि आपको दंडित करेंगे इसीलिए ये चिट्ठी पढ़ते ही वहां पानी भी नहीं पीना और शीघ्र अतिशीघ्र वहां से निकल के आना अब कहते हैं सुन पाती लालदास संग चला नारायण नूर मोहम्मद आए मिला सरियत कबहू न लिया ईमान कि सरियती लोग कभी भी हकीकत मारीफत की बात पर ईमान लेकर के नहीं आएंगे ये बात समझ में आ चुकी है अब वहां से लालदास जी नारायण दास जी और नूर मोहम्मद निकले और कहते हैं चले पीछे दिन तीसरे पहुंचे हादी कदम कितने दिन में पहुंचे तीन दिन में यदि महाराष्ट्र से दिल्ली आए होते तो तीन दिन में तो पैदल नहीं पहुंच सकते अभी भी वर्तमान में भी ट्रेन से ही इतना लंबा समय लग जाता है तो दिल्ली नहीं आए थे वे खुल्दाबाद में ही थे इससे ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में ही किसी दूसरी जगह पर है मतलब बुढ़ानपुर से आए हैं खुल्दाबाद जो कि लगभग इतनी ही दूरी पर है तीन दिन की यात्रा करके श्री लालदास जी के साथ में और सुंदर साथ श्री जी के चरणों में पहुंचे कहते हैं तब सुकराना राज का बड़ा जो देखा ही अभी हमने कल ही सुकराना का प्रसंग समाप्त किया है ये भी राज्य की एक मेहर है इसको हम जाहिरी मेहर कहते हैं कि मृत्यु के मुख से उन्होंने लालदास जी सहित अन्य सुंदर साथ की रक्षा की काल के थे काढ़ के राखे पनाह में साबित अपनी शरण में अपनी सुरक्षा में राज्य ने सुरक्षित रखा श्री महामती जी कहे श्री महामती कहे मोमिनो ए बीतक बुढ़ानपुर अब कहो आकोट की राखे पनाह में ज्यों कर अब आगे पुनः आकोट का प्रसंग बता रहे हैं अब तक की जो बीतक सुनी हमने आकोट की उसमें तो कोई घटनाक्रम नहीं है वहां तो केवल सैद्धांतिक बात बताई गई है कि राज्य ने इस इस तरह से मेहर की श्री जी ने जो सुंदर साथ को समझाया उस बात को श्री लालदास जी ने यहाँ चौपाइयों के रूप में वर्णन किया है पर आकोट में घटनाक्रम तो और भी हुई है तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जब श्री जी बुढ़ानपुर से आकोट आए तो वहां चार महीने तक निवास किया आकोट में और वहीं से वहीं रहते हुए सब सुंदर साथ की भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया शुकराना के माध्यम से और अब आगे की जागनी के लिए विचार करने लग गए क्योंकि औरंगाबाद से निकल के आए हैं तो श्री जी ने औरंगाबाद में रहने वाले फतेहअल्ला और उनके कुछ सहयोगियों के पास पत्र लिख करके भेजा कयामत के ही प्रश्न है और वही प्रश्न लिख करके साथ में यह भी बताया कहते हैं कि तुम तो केवल शरीयत को समझते हो और उसी को मानते हो इसीलिए इस्लाम की वास्तविकता को न समझने के कारण तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो वास्तव में यदि इस्लाम की वास्तविकता बताई जाए कट्टरता को छोड़कर एक सैद्धांतिक बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है लेकिन दज्जाल ने तुम्हारे अंदर बैठ करके जो एक आने का माध्यम बन सकता था जो रास्ता था वही तुमने बंद कर दिया इसलिए अब मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ प्रश्न लिख करके भेजा है तुम्हारे लिए इनका तुम जवाब देना यदि तुम अपने आप को पढ़ा लिखा आरिफ मतलब पढ़ा लिखा साक्षर यदि तुम अपने आप को पढ़ा लिखा ज्ञानी समझते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देख करके भेजना और श्रीजी ने एक शर्त रखी जिसमें वो कहते हैं कि यदि तुम हमें सच्चे इस्लाम की परिभाषा बता सको तो हम भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हैं लेकिन तुम बस इतना समझ लो कि हमने जो प्रश्न लिखा है उस उन प्रश्नों का उत्तर यदि तुम नहीं दे पाए या तुम नहीं देते हो तो जब तक तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तब तक हम कुरान का वास्ता दे करके कह रहे हैं कि तुम्हारा खाना पीना सब हराम है अमरा जी एक सुंदर साथ हैं जो श्री जी की सेवा में ही रह गए क्योंकि उनका श्रीजी पर अटूट ईमान था देखिए एक होता है ईमान और एक है अटूट ईमान दोनों में क्या फर्क है जब हमें ज्ञान दृष्टि से पहचान है और हमारे जीवन के उपयोगी अथवा आवश्यक संबंधों की श्रेणी में लिस्ट में राज्य का भी नाम कहीं आता है तो समझ सकते हैं कि हमें राज्य पर ईमान है लेकिन अटूट ईमान का तात्पर्य क्या है ज्ञान दृष्टि से पहचान भी है और वो जो लिस्ट हम बना रहे हैं उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर यदि राज्य आते हैं और राज्य के अलावा और कोई भी वस्तु कोई भी रिश्ता कोई भी सुख सुविधाएं जिनका हम त्याग यदि कर सकते हैं तो उसको कहते हैं अटूट ईमान जो भी श्रीजी के चरणों में समर्पित हो पाते हैं वही हो पाते हैं जिनका अटूट ईमान होता है देखिए ईमान तो उनका भी है जो घरों में रह करके सेवा कर रहे हैं कि चलो घर में रह रहे हैं राज्य राज्य कह रहे हैं माया का काम भी कर रहे हैं लेकिन अटूट ईमान उनको नहीं कहा जाएगा क्योंकि ऐसे सुंदर साथ ने कहीं ना कहीं सोचा कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के बारे में सोचा अटूट ईमान का मतलब ये कि अपने अस्तित्व के बारे में विचार ही न किया जाए कि हमारा क्या होगा हमारा भविष्य क्या होगा दोनों में बस इतना फर्क है ईमान और अटूट ईमान में तो ईमान लेने वाले तो बहुत सारे हैं पर अटूट ईमान उनमें से एक है अमराजी जिनको आया अब कहते हैं श्री जी पहुंचे आकोट से कापस्तानी नामक स्थान में वहां पांच दस दिन रहते हैं फिर एलजपुर नाम के स्थान में पहुंचते हैं वहां एक किसान थे जिन्होंने श्रीजी और सुंदर साथ की सेवा की देखिए जहां जहां बात आती है ना सेवा की महामती श्री लालदास जी ने छोटी से छोटी सेवा से लेकर के बड़ी सी बड़ी सेवा वैसे सेवा छोटी बड़ी नहीं होती पर भाव तो होता है छोटा बड़ा पर यहां हर कैटेगरी की सेवा को इसमें समावेश किया है यदि एक ही तरह की सेवा अनेक लोगों ने की है तो भले ही अनेक लोगों का नाम न हो पर अलग अलग विभाग की सेवा का वर्णन किया है भले ही कोई जीव सृष्टि ही क्यों ना हो पर यदि उन्होंने श्रीजी और सुंदर साथ की सेवा की है तो उनको भी बीतक में स्थान दिया है क्यों क्योंकि सुंदर साथ में उनको पता है ना कि आगे आने वाले समय में भी जितने सुंदर साथ होंगे सभी तो ब्रह्म सृष्टियां नहीं होंगी तो जो जीव सृष्टि भी होंगे वो भी किसी तरह से सेवा कर सकें इसलिए सबके हिसाब से ब्रह्म सृष्टियों के हिसाब से भी कुछ उदाहरण है ईश्वरी सृष्टि के हिसाब से भी कुछ उदाहरण है और जीव सृष्टि के हिसाब से भी कुछ उदाहरण है जिसको जहां से जो सीखना है वो सीख सकता है अब उन किसान ने एलजपुर में श्री जी की सेवा की और बहुत ही भाव से श्री जी को कहा कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए मेरे खेत में ज्वार की पैदाइश बहुत अच्छी तरह से हुई है मैं चाहता हूं कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं और तीन चार दिन तक श्री जी वहां रुके उनका भाव रखने के लिए उन्होंने श्री जी सहित सुंदर साथ की सेवा की अब वहां से श्री जी निकले देवगढ़ नामक स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं रास्ते में एक साधु मिले फकीर मिले जिनसे कबीर जी की साखियों के विषय में चर्चा हुई श्रीजी के मुखारबिंद से कबीर जी की साखी पर चर्चा सुन करके वह भी गदगद गद हो गए आनंदित हो गए अब वहां से चल करके श्रीजी पहुंचे देवगढ़ और वहां एक स्थान था उसका नाम था राम टेकरी वहां के राजा को भी श्रीजी ने संदेश दिया अपने तरफ से उन्होंने किसी को संदेश देने में बाकी नहीं रखा पर क्या हुआ कहते हैं राम टेक का राजा था तहा किया ना किन विचार लेकिन उसने श्रीजी के संदेश पर कोई विचार नहीं किया अब वहां देवगढ़ से चल करके कई दिनों के पड़ाव को पार करके कई दिनों की यात्रा करके पहुंचे रामनगर नामक स्थान में उस समय जब श्री जी रामनगर में पहुंचे तो श्रीजी के पास एक सफेद रंग का घोड़ा था श्री जी की सवारी के लिए जिस पर श्री जी विराजमान होते थे साथ में सुंदर साथ की जमात होती थी सुंदर साथ का समूह होता था और रास्ते में सुंदर साथ अपनी अपनी झोलियां फैला करके घरों से जाकर के कुछ मांग कर ले आते थे सब सुंदरसाथ ने फकीरी वेश जिसको हम वैरागी वेशभूषा कहते हैं वो कैसी है वो तो हमने पहले ही सुना है उदयपुर के बाद के प्रसंग में इस तरह से अब सुंदर साथ अलग अलग जगहों पे जा जा रहे हैं यात्रा करते हुए भिक्षा मांगते हुए गुजारा कर रहे हैं और पहुंचते हैं रामनगर रास्ते में कोई गांव था वहां गौण जाति के लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं दज्जाल बैठा हुआ था उन्होंने श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं की और सुंदर साथ के साथ में बहुत लड़ाई की वहां से चल करके श्री जी सुंदरसाथ सुंदर पहुंचते हैं रामनगर रामनगर में केतकी नाम की एक नदी है उस नदी के किनारे एक स्थान उन्होंने बनाया गणेश नाम के एक महंत थे। उन महंत के हवेली के पास में सबसे पहले रामनगर में छतई भाई आए उन्होंने अपने परिवार के साथ में तारतम ज्ञान ग्रहण किया उसके बाद आते हैं कुंजा वीर जी राम रतन गंगा सांता ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रामनगर में तारतम लिया है मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूं और अब प्रसंग में आगे बढ़ता हूं क्योंकि सबका नाम लेते रहूंगा तो समय पूरा हो जाएगा अब रामनगर की विशेष जो बीतक है उसका वर्णन कर रहे हैं सबसे पहले कहते हैं श्री लालदास जी कह रहे हैं ए बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार हरि सिंह जी श्रीजी का दर्शन करने के लिए आए क्योंकि उन्होंने सुजान शाह नाम के व्यक्ति से जो कि किसी न किसी रूप में एक राज परिवार से रामनगर के राज परिवार से संबंध रखते थे उनसे श्री जी के विषय में सुना श्री जी के विषय में थोड़ी बहुत बात मालूम हुई तो दर्शन करने के लिए आए फिर श्रीजी का दर्शन करके उन्होंने सूरज सिंह को बताया पहले सुजान शाह फिर हरि सिंह और फिर सूरज सिंह हरि सिंह ने श्रीजी के पास आकर के निवेदन किया कि आप मेरे घर में आइए सुंदर साथ के साथ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और बहुत विनम्र भाव से निवेदन किया अब उनका भाव देख करके श्री जी ने कहा ठीक है हम आते हैं सुंदर साथ को लेकर अगले दिन पहुंचे अब हरि सिंह ने श्रीजी और सुंदर साथ की इतनी सेवा की जिसका वर्णन करते हुए श्री लालदास जी कहते हैं कि स्वयं हरि सिंह धोती पहन करके सब सुंदर साथ को श्रीजी के साथ में श्रीजी को भी भोजन परोस रहे हैं सुंदर साथ को भी भोजन परोस रहे हैं श्री जी को उन्होंने चौकी पर बैठाया है सुंदर साथ को दो पंक्तियों में बैठाई है और अब सबको पहले पत्तल परोस रहे हैं उनके साथ में करने वाले तो और भी लोग होंगे सेवा करने वाले लोग परिवार के या क्योंकि ये तो राज परिवार से संबंधित धनाढ़ व्यक्ति थे हो सकता है नौकर चाकर भी हो पर वो अपने हाथ से भी सेवा कर रहे हैं अब अनेक प्रकार की मिठाइयां हैं एक पकवान के बाद दूसरा पकवान है सब सुंदर साथ तृप्त हो गए उस दिन के लिए तृप्त हो गए उसके बाद में उन्होंने सबके सामने पान का बीड़ा रखा सबने पान भी स्वीकार किया अब सब सुंदर साथ आराम कर रहे हैं हरी सिंह अपने घर में श्री जी को अटारी पर लेकर के गए अटारी किसको कहते हैं जैसे जो कम से कम दो मंजिला घर होता है तो उसमें पहली मंजिल जो समाप्त होती है पहले मंजिल की छत समझ लीजिए या दूसरे मंजिल की जो जमीन है उसके बराबर में बाहर की तरफ बरामदा निकला होता है तो उसको अटारी कहा जाता है श्री जी को अटारी में लेकर के गए और वहां अब अत्यंत प्रेम भाव के साथ में श्री जी से प्रार्थना करने लग गए कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूं मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए मुझ पर एक संकट है मैं चाहता हूं कि मेरी जो आपत्ति है मुझ पर आई मेरा वो संकट समाप्त हो जाए शायद हो सकता है क्योंकि हरि सिंह राजदरबार के सदस्य थे तो कोई किसी विषय में शायद कोई मुकदमा चल रहा हो क्योंकि यहां स्पष्ट रूप में तो लिखा नहीं कि क्या चल रहा था पर इतना हुआ कि कोई ऐसा संकट आया है ऐसा उन्होंने श्री जी से निवेदन किया श्री जी ने भी मन ही मन कुछ तो सोचा होगा कि क्या दे सकते थे या वो क्या ले सकते थे पर क्या ले रहे हैं पर जिसको जो चाहिए राज्य तो वही देंगे श्री जी ने कह दिया कि ठीक है आपका काम हो जाएगा हुक्म हुआ तीन से तेरा कारज हो सिद्ध आपका जो भी कार्य होगा वो सिद्ध हो जाएगा अभी कुछ दिन पहले की चर्चा में हमने बड़े महाराज जी का प्रसंग सुना था कि बनारसो माता जी ने कहा कि महाराज जी इतने सुंदर साथ हैं जो राज्य की सेवा करते हैं वाणी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत चितवनी भी कर लेते हैं तो आप सबको दर्शन क्यों नहीं करा देते महाराज जी ने कहा कि सब दर्शन नहीं चाहते हैं सब लोग कुछ और ही चाहते हैं माता जी ने थोड़ी जिद की तो महाराज जी ने कह दिया कि अच्छा ठीक है तुम सुंदर साथ को जा करके कह दो कि जा करके महाराज जी से जो भी अर्जी लगाएंगे वो पूरी होगी जो भी इच्छा करेंगे बस ये मत कहना कि परमधाम का दर्शन कराना है वो सुंदर साथ को मांगने दो अब माता जी ने सब सुंदर साथ को यह कहलवा दिया अब महाराज जी बैठे हुए कोई माता आ रही है और आके कहती है कि महाराज जी हमारी भैंस दूध नहीं देती है कोई कहता है कि हमारे बच्चे की नौकरी लगा दो कोई कहता है कि हमारी बहू हमसे लड़ती है सब लोग दुनिया की ही मांग कर रहे हैं यदि उस समय किसी के मन में भी परमधाम का दर्शन करने की इच्छा होती या कोई अन्य आध्यात्मिक उपलब्धि की इच्छा होती तो महाराज जी पूरी कर देते यहां भी हरि सिंह ने जो सेवा की है सेवा को देख करके तो कहीं ना कहीं श्री जी के मन में भी ये विचार आया होगा कि ये देखते हैं क्या मांगते हैं पर उन्होंने लौकिक चीज ही मांगी कहते हैं जेता था उनका हिस्सा तेता लिया उन सुख जितना हिस्सा था उतना ही उन्होंने सुख लिया विदा हुए चला दरबार को तब पड़ा कसाला दुख जो उन पर दुख आने वाला था वो हट गया अथवा टल गया अब उसी दरबार के एक सदस्य थे उनका नाम है किशोर कुंवर सिंह या कुंवर किशोर सिंह कुंवर जो है वो राज परिवार में एक पद लगाया जाता है तो उन्होंने भी सोचा कि ऐसा चमत्कार होता है उनके द्वारा उन्होंने भी ऊपरी पहचान की और श्रीजी को अपने महल में लेकर के चले गए पर क्योंकि वह माया के वशीभूत थे इसलिए श्रीजी के स्वरूप की वो पहचान नहीं कर पाए अब किशोर सिंह ने श्रीजी को अपने घर में पधराया और अपने तरफ से सेवा की उन्होंने भी उसी तरह से जैसे हरि सिंह जी ने सेवा की वैसे ही सेवा की कहते हैं भाव दिखाया भली बात सो हुआ सेवा को सन्मुख अंकुर माफक अपने इन भी लिया सुख उन्होंने भी अपने अंकुर के अनुकूल सेवा का सुख लिया सेवा का भाव लिया किशोर सिंह की एक दासी थी सेविका जो श्रीजी का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आती थी उनको श्रीजी के स्वरूप की कुछ पहचान हुई और बाद में उन्होंने तारतम ज्ञान भी ग्रहण किया। अब वहां पंथ के एक रहते थे जिनका नाम था आसाराम उन्होंने भी श्री जी के द्वारा होने वाली चर्चा को सुना और बहुत ही विश्वास के साथ में श्री जी के चरणों में ईमान लेकर के आए उन्होंने भी एक दिन श्री जी को अपने घर में बुला करके उत्सव रसोई कराई और अब रामनगर में एक ऐसी घटना हुई जिसको कहा गया आजुज माजुज उतरे साथी लगे खेचने मिर्गी की भयानक बीमारी का वहां पर प्रकोप बढ़ गया वैसे तो कई जगह पर मैंने पढ़ा था कि प्रत्येक सौ वर्ष में ऐसी कोई महामारी आती है जिसमें गांव के गांव नगर के नगर समाप्त हो जाते हैं आप देखेंगे प्रेम का चांद आपने पढ़ा होगा तो बड़े महाराज जी की बाल्यावस्था में भी उस समय प्लेग की शायद बीमारी फैली थी उससे पहले एक बीमारी फैली थी स्पेन के तरफ से जिसको ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता है और इस समय भी श्री जी के समय में पांचवें दिन की लीला में भी मिर्गी की बीमारी और ये मिर्गी की बीमारी जब शाहजहांपुर पहुंचे थे तब भी थी हाँ, हो सकता है कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वो कम हो तो बीमारी भी उसी हिसाब से क्योंकि लोगों की यात्राएं कम होती थी तो उस हिसाब से बीमारी धीरे धीरे फैली हो पर रामनगर तक पहुंचते पहुंचते तो इतना प्रकोप हो गया था कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि एक का दाह संस्कार करके वापस आ रहे होते थे तो दूसरा ले जाने के लिए तैयार होता था यही बड़े महाराज जी के समय में भी हुआ तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे सुंदर साथी जिन्होंने अपना तन छोड़ दिया कुछ दिनों तक तो ये बीमारी रही बहुत सारे सुंदर साथ का भी धामगमन हुआ उसमें और केवल सुंदर साथी नहीं क्योंकि महामारी तो सब जगह पर थी ना लेकिन कुछ दिन रहने के बाद श्री जी के हुक्म से श्री जी के आदेश से वो बीमारी समाप्त हो गई इसके बाद फिर से जागने का दौर शुरू होता है अब यहां मल्लुक चंद एक सुंदर साथ है मल्लुक चलिया था राजपूत राठौर जिनका नाम अभी हमने आज ही के प्रसंग में देखा था कि श्री जी ने पत्र लेकर के भेजा है तो उन्होंने भी वहां तन छोड़ा है कुछ प्रमुख नाम में ले रहा हूं लालदास जी की जो बेटी हैं श्यामबाई जी उन्होंने भी यहां पर तन छोड़ा है कोई एक दिन ऐसा रहया, फेर दबा हुक्म से साथ सब दुदला भया रहे विचार करने में कुछ दिन तक ऐसा रहा और श्रीजी के हुक्म से वो बीमारी अब संकट समाप्त हो गई अब सुंदर साथ सोच रहे थे उस समय बीमारी टलने से पहले सुंदर साथ सोच रहे थे दुखी होकर के क्योंकि सोचिए कि जिसको हम एक दो दिन से भी जान रहे होते हैं एक लौकिक नाता भी होता है उसके जाने का कहीं ना कहीं दुख होता है अफसोस होता है यहाँ तो एक आत्मिक नाते की पहचान है एक दूसरे को जानते हैं कि ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है जिनके साथ में इस तरह से दुख सुख को झेला है सूरत से निकलते हुए तो ऐसे सुंदर साथ जब अचानक से छूट जाए तो दुख होना स्वाभाविक ही था सब सोच रहे थे कि अब हम क्या करें कहाँ जाएं ये संकट कब टलेगा अब राज्य ने सबकी सुनी और वो संकट समाप्त हुआ पर एक संकट समाप्त होता है तो दूसरा कहीं ना कहीं आ ही जाता है और उसी समय क्या हुआ कहते हैं इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान औरंगजेब और बादशाह ने पुरदल खान जो कि उसके बहुत सारे सेनापतियों में से एक सेनापति था पुरदल खान को आदेश दिया कि रामनगर में एक वैरागी है तुम जाओ और पता करो कि वो कौन है कहां से आए हैं औरंगजेब दिल्ली के बाद से ही वो चाहता था कि श्रीजी से वो एकांत में मिले भले ही बाहरी रूप में सबके सामने नहीं मिल सकता पर उसके मन में था कि चाहे बंदी बनाकर ही मिलना पड़े पर मैं अकेले में मिलूंगा शरीय तो नहीं छोड़ूंगा इसी कारण से वो चाहता था कि कहीं ना कहीं मैं उनको पकड़ लूं। वो खोज में तो रहता ही था श्रीजी सहित सुंदर भी अलग अलग जगहों पे स्थान बदलते रहते थे इसलिए जल्दी से पता नहीं चल पा रहा था औरंगजेब को उसने बस पुरदल खान को आदेश दिया कि रामनगर के जो वैरागी हैं उनको जाकर के पता करो पुरदल खान ने अपने सेनापति शेख खिज्र को आदेश दिया कि जाओ रामनगर में जाकर के वैरागियों को पकड़ लो औरंगजेब ने तो सिर्फ पता लगाने की बात की है पर जैसे होता है ना मौखिक रूप से हम कोई बात कहते हैं तो क्या होता है अफवाह इसी तरह से तो फैलता है ना बचपन में स्कूल में एक गेम सिखाया जाता था जैसे एक लाइन लगाई जाए पंद्रह बीस लोगों की आगे वाला व्यक्ति यदि अपने से पीछे वाले व्यक्ति के कान में कोई शब्द कहता है जल्दी जल्दी से ये शब्द यदि पास किया जाए तो सबसे पीछे पहुंचते पहुंचते कोई और शब्द हो जाता है तो इसी तरह से जब हम कोई बात मौखिक रूप से कहते हैं तो किसी न किसी रूप में शब्द बदल ही जाते हैं औरंगजेब ने कहा कि पता लगाओ पुर्दल खान ने शेख हिदर को कह दिया कि पकड़ लो जा करके बंदी बना लो शेख खिधर अब बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेना की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आता है और गढ़े से ही संदेश भिजवाया रामनगर में गढ़ा और रामनगर अलग अलग है तो गढ़े से ही रामनगर में संदेश भिजवाया कि मैं वहाँ के वैरागियों को पकड़ने के लिए आया हूँ बादशाह का ये हुक्म है कि या तो तुम उनको पकड़ करके हमारे हवाले कर दो या फिर हमारे रास्ते में मत आओ अब जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने सोचा कि हिंदू वैरागी हैं फ़कीर हैं किस तरह से मैं औरंगजेब के हवाले कर दूं उन्होंने अपने तरफ से कोतवाल को भेजा और जाकर के कहलवाया कि तुम जाकर के कहना कि जितने भी वैरागी हैं या फिर श्री जी साहेब हैं वो तो पहचानते नहीं कि श्री जी साहब कौन है उन्होंने कह दिया कि तुम कहो जाए स्वामी कृष्ण दास सो ऐसा हुआ हवाल तुम जाकर के स्वामी दास जी से कह दो कि एक चार दिन तुम यहां से बैठो जाए जागा और आप दो चार दिन के लिए किसी और जगह पर जाना छिप करके रहना और बाद में जब परिस्थिति सामान्य हो जाए तो वापस आप आ जाइएगा क्योंकि बादशाह से हम लड़ाई तो नहीं कर सकते और बादशाह का रुतबा ऐसा है कि वहां से तो एक लाठी भी आ जाए तब भी हमें उस लाठी का आदेश भी मानना पड़ेगा एक आलंकारिक वर्णन है कि जैसे कोई दूत होता है ना तो दूत को राजा का ही रूप माना जाता है दूत का अपमान राजा का अपमान माना जाता है तो ये कर नहीं सकते तो श्रीजी ने कहा कि आप महाराज को कह देना राजा को कि डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम खुद भी बादशाह से नहीं डरते हम तो राह देख रहे हैं कि कब हमें औरंगजेब से बात करने का मौका मिले आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं आप अपने घर में बैठे रहिए जो कोई भी बात होगी हम झेल लेंगे या हम उसको देख लेंगे कोतवाल गए राजा के पास जाकर के कह दिया कि वैरागी तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि आने दो उनको राजा ने फिर दोबारा कहलवाया कोतवाल को भेजा कोतवाल ने कहा कि महाराज कह रहे हैं कि हमारा भी एक धर्म है कि हमारे रहते रहते कोई आकर के हमारे राज्य में हिंदू वैरागियों को पकड़ ले तो हमारा धर्म रक्षित नहीं होगा हमारा भी एक कर्तव्य है और वो हम नहीं कर पाएंगे इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए भले ही यहाँ से दस बीस कोस की दूरी पर जाकर के छिप करके कर रहना लेकिन जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा हम दोबारा आपको बुला लेंगे अब पुनः जाकर के श्रीजी से ऐसा ऐसा कहा तो श्रीजी ने फिर यही जवाब दे दिया कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जब हम अपनी वाणी सुनाएंगे जब हम तारतम वाणी इनको सुनाएंगे ये सुनते ही गल जाएंगे सुनते ही हम पर समर्पित हो जाएंगे अब कोतवाल ने जाकर के राजा से कह दिया तो राजा ने अपने मंत्री से कहा सुवंश राय जिनका नाम था कि आप जाकर के कहो शायद कोतवाल को समझाना नहीं आ रहा है आप जाकर के कहिए कि हम बादशाह के लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते यदि आपको पकड़ करके ले गए तो हमारी भी बदनामी होगी और हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे सुवंश राय गए और जाकर के राजा ने जो बात कहलवाई थी सारी बात कह दी तो श्री जी ने अब अपना बल दिखाया सुवंश राय जी को ज्ञान चर्चा करके समझाया उनको इतनी बात समझ में आ आ गई कि अच्छा इनके पास आत्मबल बहुत है और इनके पास ज्ञान भी बहुत है अब सुवंश राय ने जा कर के राजा के पास जा कर के कह दिया कि वो तो जाने के लिए तो तैयार नहीं है और उल्टा वो तो ज्ञान की बात कह रहे हैं हमें जितना कहना था हमने कह दिया हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया अब हम इसके इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते अब ऐसा करते करते अब दूसरे दिन ही क्योंकि गढ़ा से संदेश पहुंचाया था रामनगर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है ही दर पहुंच गया और जाकर के कहते हैं कि हम आए तीन काम को पकड़ देव वैरागी तुम कि हम वैरागियों को पकड़ने के लिए आए हैं आप हमारी मदद करो हम उनको पकड़ करके बादशाह के पास लेकर के जाएंगे और यदि आप रक्षा करने के लिए उतर जाते हो तो समझ लो कि तुम्हारी सीधे लड़ाई बादशाह के साथ होगी तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं क्योंकि डर है उसको कहता है नहीं नहीं हमें तो उन साधुओं से उन वैरागियों से कोई लेना देना ही नहीं है केतकी नदी के किनारे पर रह रहे हैं आप जा करके पकड़ लो अब वहां से उठ करके से इधर जहां अपनी उनकी हवेली थी जहां वो ठहरे हुए थे अपनी हवेली पे गए और उनका जो मंत्री था उनका नाम था भिखारी दास आपस में विचार विमर्श करने लग गए कि ये तो नहीं हो सकता कि कोई हिंदू राजा एक हिंदू वैरागी को इतनी आसानी से पकड़ने दे हमें तो लगता है कि उन वैरागियों के बीच में इन्होंने अपनी सेना भी रख रखी है छिपा करके ताकि हम वहां जाएं और हम पर छापामार युद्ध कर दें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है इसलिए तुम अब ये बताओ जाकर के पता करो कि वास्तविकता क्या है भिखारीदास जी वहां से विदा लेते हैं और श्री जी के चरणों में आकर के अब प्रणाम करते हैं क्योंकि एक तो शिष्टाचार है पहचान नहीं है फिर भी शिष्टाचार है भिखारी दास जी ने आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और शाही फरमान सुना दिया कि हम बादशाह के आदेश से आपको पकड़ने के लिए आए हैं श्री जी कहते हैं हम तो यही चाहते हैं। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह जो हमको ये याद करे कोई हमको उत पहुंचाए कि कोई हमें औरंगजेब तक पहुंचा दे फिर श्री जी ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम हमारे विषय में पता करो पहले बैठ करके थोड़ी बात सुनो फिर तो पता चलेगा ना कि जाकर के तुम बता पाओगे कि हमारी वास्तविकता क्या है अब भिखारीदास जी बैठे और श्री जी ने उन्हें परम धाम की इश्क रब्द से लेकर के सृष्टि के निर्माण से लेकर के ब्रज ब्रजराज की लीला से लेकर के भागवत के सारे रहस्य कुरान के साथ खोल करके उन्हें बता दिया कुछ प्रश्न पूछे कि जवाब करो तुम इनका जो तुम्हें समझी जाए यदि तुम्हें मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आता है तो तुम इसका जवाब दो तो भिखारी दास जी ने कहा कि नहीं हमें तो नहीं आता पर आप ही समझाइए कहते हम तो ले आए ईमान तुम्हारे कदम न छोड़े हम जो पकड़ने के लिए आए हैं वो कह रहे हैं कि हम तो आप पर अब पूर्ण ईमान लेकर के आए अब हम कभी भी आपके कदम नहीं छोड़ने वाले तीन रात और तीन दिन तक उन्होंने श्री जी से चर्चा सुनी कुरान के भागवत के सभी सवाल उसमें शामिल थे कहते हैं तीन रात और तीन दिन कहा तारतम समझाए सवाल कुरान भागवत के सब ठोर दिए बताए दोनों पक्ष को मिलाकर के उन्होंने समझाए क्योंकि भिखारी दास के साथ में दो और भी लोग थे जो मुस्लिम थे अब वो भी साक्षी देते आगे जाकर के इसलिए श्री जी ने दोनों पक्ष को मिला करके समझाया कहते हैं विरोध सारा भान के बताया एक दिन हिंदू मुसलमान सबका विरोध समाप्त करके वेद और कतेब का विरोध समाप्त करके श्रीजी ने निजानंद के द्वारा तारतम ज्ञान के द्वारा एक निजानंद की पहचान कराई एक धर्म की पहचान कराई और भिखारी दास जी के मन में जो संशय रूपी शैतान था उसको क्या किया मारा सक सैतान को तब ही लिया आकिन भिखारी दास जी के मन में जो संशय रूपी शैतान था उसको समाप्त कर दिया तो अब वे श्री जी के चरणों में ईमान लेकर के आए अब किस तरह से भिखारी दास जी के ईमान लेके आने के बाद तक बाज पहुंचती है शेख खिजर जो गढ़े से हल्ला करते हुए आए हैं कि हम तो बैरागियों को पकड़ने के लिए आए वे भी श्री जी के चरणों में तारतम ले लेते हैं और उनके साथ आई हुई सेना भी तारतम ले लेती है पर यह कैसे संभव हुआ रामनगर का जो राजा था उसको कैसे लज्जित होना पड़ा श्रीजी के स्वरूप की पहचान न कर पाने के कारण ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल अभी के लिए समय पूरा होता है दो दोराइये विरोध सारा भान के बताया एक दिन मारा शक शैतान को तब ही लाया आकिन तब ही लाया कि बोले श्री प्राणनाथ बोलो बोले श्री सदगुरु महाराज